बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ बीना यूसुफ। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ अफगानी कढ़ाई। तो ये बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई बनने वाली है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बीफ कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। बीफ अफगानी कढ़ाई के लिए सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल डाल लिया है। इसे गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हमने बीफ 1 किलो शामिल किया है मिक्स बॉडी के साथ। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। 7 से 8 मिनट हमने इसे अच्छे से फ्राई करना है। 7 से 8 मिनट अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसमें हमने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर दिया है ताकि ये अच्छे से गल जाए। 30 से 35 मिनट लगे हैं, गोश्त अच्छे से गल चुका है हमारा। 90% तक हमने गला लिया इसे और मज़ीद 10% अगले प्रोसेस में ये पक जाएगा। तो 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। 8 से 10 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, टमाटर 4 अदद, दरमियान से हमने इनको कट कर लिया था, ये शामिल कर देंगे। अच्छे से तमाम मसालों को मिक्स कर लेना है। कवर करके हमने इसे 5 मिनट पकाना है मीडियम लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो चुके हैं, स्किन हम टमाटरों की रिमूव कर देंगे और टमाटरों को अच्छे से मैश कर लेंगे। अच्छे से हमने 3 से 4 मिनट इनकी भुनाई करनी है। अब इसमें हम 125 ग्राम दही शामिल करके अच्छे से इसकी फिर से भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट। दही डालते वक्त लो बिल्कुल हमने फ्लेम कर दिया था। इसमें हमने 3 फ्राई की हैं मीडियम साइज़ की प्याज, इनको हमने क्रश करके शामिल कर दिया है इसमें। इसे भी हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। 1/2 टीस्पून कुटी काली मिर्च शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसको हमने 1 मिनट बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर हमने दम पर रखा है। ये देखें, ज़बरदस्त हमारा अफगानी गोश्त तैयार है। बीफ अफगानी कढ़ाई हमारी ज़बरदस्त तैयार हुई है बहुत ही कम मसालों में। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।